What's your name? Hi, my name is Mehzabeen. Where do you come from? I'm from Mirali. I'm working in Gainia Designs, okay. Private Limited. Yeah. What's your designation there? What do you do there? I'm a senior merchandiser there. Okay. For how long have you been in this industry, ma'am? 4 years. Okay, it's 4 years, yeah. Ma'am. What kind of fabrics you are looking for? I'm looking for handloom, khadi cottons and these type of natural fabrics for home furnishing. Home furnishing. Yeah. For which season, ma'am? For summers. Summers, okay. Yeah, because ye season. Okay, ma'am. What do you think about sustainability, recycled fabric, circular economy? आपका क्या opinion है इस बारे में? मेरा यही opinion है, जितना हम sustainable fashion use करेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा rather than polyester, because अभी हम लोग ना सारे foreign buyers के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, but उन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कभी भी उनका पैकेजिंग से रिलेटेड हो या फिर उनका फैब्रिक से रिलेटेड हो, वो कभी भी ऐसे पॉलिएस्टर फैब्रिक्स और एकदम ऐसे वाले फैब्रिक्स नहीं यूज़ करते हैं. वो लोग मोस्टली ऐसे फैब्रिक्स यूज़ करते हैं जो डिसॉल्व हो जाए, जो यू नो हार्मफुल नहीं हो, केमिकल से दूर रहते हैं, सब नेचुरल प्रिंटिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं. तो ऐसा अगर यहाँ पे भी होगा तो आई थिंक वही बेस्ट है. मैम, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या ओपिनियन है? कभी प्रेशर है आप पे, दिमाग पे आता है कि यार कहीं हम रिप्लेस तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता. आई थिंक वो हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं जितना AI चैट GPT यूज़ करती हूँ, ओके, और मेरे को बहुत हेल्प मिलती है. जहाँ पे मैं स्टक हो जाती हूँ कि अच्छा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, मेरे को प्रॉपर वहाँ पे एक बॉडी मिल जाती है. प्रोफेशनली अपने काम के लिए भी यूज़ करते हैं? काम के लिए मैं बहुत. कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? कोई एग्जाम्पल, मुझे कुछ फॉर्मल लेटर टाइप करना हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, okay. तो फिर मैं उधर एक क्वेश्चन पुट करती हूँ तो मुझे पूरा बॉडी उधर मिल जाता, okay. है, बट ठीक है. हाँ, लेकिन एक होता है ना कि जितना खुद से बंदा करेगा तो उसके दिमाग में उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, उसको उतना ही लर्न करने की पावर मिलेगी, बट ठीक है, अब फिर शॉर्टकट मिलता जा रहा है सबको. अच्छा मैम, आपके नीचे जूनियर्स भी होंगे, आई एम श्योर. हाँ, मेरे असिस्टेंट्स हैं. मैम, जब एक बच्चा फैशन स्कूल से किसी भी कंपनी में आता है, क्या वो एम्प्लॉयबल होता है या कुछ लैक कर रहा होता है, क्या सिखाना पड़ता है? नहीं, मतलब कॉलेज से, मैं जब कॉलेज गई थी तो मुझे पहली बात, मुझे ये था कि जब मेरा ये एम था कि मुझे डिजाइनर बनना है, तो डिजाइनर वाज आई वाज थिंकिंग कि अच्छा ठीक है, ड्रेसेस पहननी होती है, ड्रेसेस बनानी होती है, दैट सिर्फ इतना ही पता था. लेकिन कॉलेज में जाके पता, अच्छा ठीक है, ये टेक्सटाइल भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पैटर्निंग भी पढ़ना पड़ेगा, हर चीज अलग अलग कैटेगराइज होता है वो. बट वहाँ पे कॉलेज में हम सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, बट जब हम इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तब पता चलता है कि यार ये फैब्रिकेशन अलग है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री अलग है, मतलब काफी लाइंस इसमें भी बन चुकी है, जो ब्रांचेस है. तो फिर उसमें धीरे धीरे पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट किस में चीज में ज्यादा है, तो आप वो चीज ऑब्जर्व करते हो और फिर वही लाइन आप चूज कर लेते हो. फैब्रिक को पहचान पाते थे कॉलेज में? कॉलेज में नहीं पहचान पाती थी. कॉलेज में इतना ठीक है, स्वॉच बुक्स वगैरह बनाना सिखाया था, लेकिन इंडस्ट्री में काम करते करते मेरे को ज़्यादा अच्छे से पता चला है फैब्रिक्स के बारे में. कोई जो एस्पायरिंग डिज़ाइनर्स हैं मैम, उनके लिए कुछ एडवाइस? हाँ, मैंने अभी लास्ट ज़वान में काम किया है, जो मेरी आई थिंक सबसे लॉन्ग जर्नी वही रही है, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है. जो आगे जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कुछ एडवाइस देना? हाँ, उनके लिए मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी कि जितना इस इंडस्ट्री में जितना वो प्रैक्टिकली काम करेंगे उतना उनको अच्छे से समझ आएगा, बिकॉज थ्योरिकली भी पढ़ना जरूरी है, बट लेकिन प्रैक्टिकल करने में हमारा जो एक्सपीरियंस गेन होता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. थैंक यू मैम. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.